नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। विकास भवन के सभागार में विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य संबंधित विद्युत विभाग के अधिकारियों से मुख्य विकास अधिकारी आकाश वर्णन काकी विशेष संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान की सफलता के लिए समन्वय बनाकर सुनिश्चित करें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, पशुपालन विभाग, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, दिव्यांग एवं समाज कल्याण विभाग, सिंचाई विभाग, उद्यान विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि के अधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने के निर्देश देते हुए कहा कि समस्त संबंधित विभाग के अधिकारियों के प्रत्येक शनिवार सीएमओ कार्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें अभियान की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी और इसी तरह दस्तक अभियान के तहत आशाओं द्वारा अपने क्षेत्र के ग्राम वासियों को दिमागी बुखार से बचाए व आसपास सफाई रखने के प्रति जागरूक किया जाएगा। कार्यशाला में जिला विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जैन पांडे, झांसी अधिकारी शारदा नहर, अखिलेश गौतम, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन कैसे करें विषय पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा राणा के द्वारा किया गया। उन्होंने प्रशिक्षण के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान समय में ग्राम पंचायतों का विकास भारत की प्राथमिकता है। खुले में शौच मुक्त के बाद गांव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से ही गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जा सकता है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।